हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एम ब्लॉग्स जम्मू। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज हमारी सुबह से डिस्कशन चल रही थी वैष्णो देवी ट्रिप के रिलेटेड, जो कि फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी। अब हम निकलेंगे इवनिंग में। एक इम्पॉर्टेंट बात, माता रानी जी का बुलावा हो तो खुद ही सब रेडी हो जाते हैं और वो अपने चरणों में सबको बुला लेते हैं। अभी हम चलते हैं तो देखते हैं सबकी तैयारी, कौन तैयार हो चुका है। वैसे तो सारे एक्साइटेड है जाने के लिए, तो अभी चलते हैं, इस छोटे से ट्रिप को करते हैं हम इंजॉय। अभी मैं चल रही हूँ आपको सबके बताने के लिए कि कौन कौन रेडी हो चुका है। तो चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं सबकी तैयारी। हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब काफी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपको ऑन दी वे। हम पहुँच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं अपनी यात्रा स्लिप लेने। हम अपनी यात्रा स्लिप कटवा के आ चुके हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। होप है कि हमारी बाकी जर्नी अच्छी निकले। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है कटरे का बस स्टैंड और यहाँ पर भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं गोलगप्पे के, आगे फ्रूट चाट का है। और वो देखिए, बस मेरे पीछे देख सकते हो, शायद से नहीं दिख रहा होगा बट वो चने और कुलचे वाला है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने सेफली। हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और ये लास्ट पार्किंग है जहाँ पे आप गाड़ी अपनी लगा सकते हो। ये बिल्कुल ही एंड पे आके लास्ट पार्किंग है, बस इसके नीचे से जो है मेन गेट स्टार्ट हो जाएगा। आप मेरे पीछे इस टाइम देख सकते हो, अभी हम अंदर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब देखते हैं कि हम ऑन फुट जाते हैं, मे बी हॉर्स करेंगे, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। अपनी गाड़ी को तो सेफली हमने लगा दी है इस पार्किंग में। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ आई हुई हैं, पंजाब से, हरियाणा से है, राजस्थान से है, तो काफ़ी लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पर माता वैष्णो जी के दर्शन करने। उनमें से एक हम भी हैं जो आज आए हैं। चलते हैं इस छोटे से ट्रिप को करते हैं एंजॉय और करते हैं माता रानी के दर्शन। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो इस टाइम हम हैं बाणगंगा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने प्रेफर किया हॉर्स पर। हमें अर्धकुंवारी तक जल्दी पहुँचना है क्योंकि आगे हमारी बैटरी कार की रिजर्वेशन हो चुकी है। जैसे कि आप इस टाइम देख रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू हैं जिसमें आप फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और इस टाइम मेरा घोड़ा बहुत तेज चल रहा है। अभी पता नहीं क्यों घोड़ा रोक दिए इन्होंने, तो अभी हम चल रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर मास्क बहुत कंपल्सरी है, सो जो भी यहाँ पर आए वो अपना मास्क और सैनिटाइजर लेकर आए। विदाउट मास्क नो एंट्री। ये गीता भवन है बाणगंगा के आगे आता है। हम इस टाइम चंद पार्कों में पहुँच चुके हैं। वैसे तो मेरे को बहुत डर लगता है घोड़े से, क्या करना, जल्दी भी पहुँचना है, ऊपर रिजर्वेशन करवाई है बैटरी कार की, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। हमारा काका भी बहुत खुश हो रहा है हॉर्स देख के। मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हर एक स्टॉप पर चहल पहल मिलेगी, बिल्कुल भी आपको वीरान जगह नहीं मिलेगी। आपको हर स्टॉप पर एक ना एक स्पॉट मिलेगा ही मिलेगा, इवन वो खाने का हो या प्रसाद लेने का हो, मिलेगा ही मिलेगा। हमारी हॉर्स राइड कंप्लीट हो चुकी है, इस टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बैटरी कार में, कैसे कौन कौन से करते हैं आपसे। भवन पहुंच चुके हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। आज हमने हॉर्स राइड तो एंजॉय की, साथ हमने बैटरी कार भी एंजॉय की। मुझे तो इतना यकीन भी नहीं हो रहा है कि मॉर्निंग में हम जम्मू में थे और इस टाइम हम बिल्कुल भवन के पास पहुंच गए हैं। तो अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, यही एक इशारा होता है माता रानी का अपने पास बुलाने का, कुछ पता भी नहीं चला। और अब एक सेकेंड में हमारा सब कुछ, रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ होगी। तो अब देखते हैं कि हम दर्शन सुबह करेंगे या आप भी करेंगे, तो जो भी है वो आपके सामने आ ही जाएगा। हम रूम में आ चुके हैं और हमने यही डिसाइड किया कि हम जो दर्शन है वो सुबह करेंगे। यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, कमिंग मंडे को जो है जन्माष्टमी आ रही है, उस वजह से यहाँ पर बहुत रश है, टूरिस्ट यहाँ पे इतना आया बाहर से। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम रेस्ट, तो करते हैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर ख़त्म। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत।
तो अब हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम सारे फ्रेशअप हो चुके हैं और हमारा चेकआउट का टाइम भी हो चुका है, तो वैसे तो सारे निकल चुके हैं और मैं एंड में रह गई हूँ। तो मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। हमने दर्शन कर लिए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे इस टाइम देख रहे हैं मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। और ये भी आप स्कल्पचर देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और इस टाइम हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, तो आप मेरे बैग पर देख सकते हैं सागर रत्न, ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। अभी जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। और एक चीज़ और, यहाँ पर ना आपको ओनियन मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर गार्लिक मिलेगा। तो वैसे तो मैक्सिमम कटरे में जितनी शॉप्स है ना आपको ओनियन गार्लिक यहाँ पर बहुत कम मिलेगा। अभी हम चल रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। एम्प्टी स्टॉमक ही हमने दर्शन करने थे, जो कि हमें बहुत बहुत अच्छे हुए। इतनी जल्दी से बुलावा था, उतने अच्छे हमें दर्शन भी हो गए हैं। तो हम चल रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। फ्रेंड्स, हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और हमने अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। करते हैं अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय और मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपना ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं। मौसम इतना अच्छा है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमने तो यही प्रेफर किया कि हम ऑन फुट जर्नी करेंगे कटरा तक। अभी हम चल रहे हैं ऑन फुट और हमने अपने बेबी के लिए ये प्रैम कर लिया है। और ये बहुत हैप्पी है अपने प्रैम में, उनके टॉयस के साथ खेल रहा है, इतना मज़ा कर रहा है। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम चल रहे हैं। अर्धकुंवारी पहुँचे हैं और हम सबको क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, तो हम सब ने यही सोचा हमारी रेस्ट ऑफ द जर्नी जो बची है वो हम घोड़े पे ही करेंगे, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। तो अभी हम नीचे कटरा तक घोड़े पे ही जाएंगे, लेकिन जो हमने ऑन फुट अपनी जर्नी की भवन से लेके अर्धकुंवारी तक, वो बहुत ही हमारी औसम जर्नी रही और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मज़ा आया ऑन फुट चलने में। ये जो ढोल की आवाज़ है, नाच आते हैं वो भी सभी नाचने लगते हैं। गंगा में वापसी में हम शॉप में आए, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ दिख जाएगी जो भी आप फोटोशॉप करवाना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे अमरनाथ बनाया हुआ है, तो शिवजी भगवान के साथ अगर अमरनाथ में वैसे फ़ोटो खिंचवानी वो भी खिंचवा सकता है। ये कश्मीरी ड्रेसेस हैं, इनके साथ भी खिंचवा सकते हो। जो हमारा कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन है, आप इनके साथ भी खिंचवा सकते हो। और जो मेन है यहाँ पर वो ये है कि जो वैष्णो देवी जी की गुफा है, आप इनके साथ भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं जिनके साथ आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। और वो ये है, एक ये डल लेक बनाया है, छोटा सा शिकारा टाइप बनाया है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम इन्होंने पूरा एक वैष्णो देवी का पहाड़, जैसे छोटा पहाड़ है वैसे बनाया है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी दुकान है और बच्चों के लिए स्पेशली ये देखिए, ये चुटकी, ये भीम, मिक्की माउस, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ है। आप हर एक चीज़ के साथ जो है पोजेस करवा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो अब मिलते हैं आपको कटरा पहुँच कर। ये है मेरा घोड़ा जिस पर मैंने हॉर्स राइड की, एक किस्म का ये मेरी मिनी फ्लाइट है, हॉर्स फ्लाइट से मैं आई आज। ये हमारे घोड़े वाले भैया, तो जिन्होंने हमें बिल्कुल सेफली यहाँ नीचे पहुँचा दिया है। अब हम चल रहे हैं कटरा को, पहले तो हम अपने पार्किंग में जाएंगे, कार का मुआयना करेंगे कि कार ठीक है, क्योंकि हमने वो पार्क की थी सेफली, तो पार्क की थी, बट देखते हैं, मिलते हैं आपको कार में। फाइनली हम अपनी पार्किंग में आ चुके हैं और हमारी गाड़ी को भी कोई हार्म नहीं हुआ है, गाड़ी जैसे हमने सेफली पार्क की थी वो वैसे की वैसे ही है। थ्रू जितनी जर्नी थी ये हमारी बहुत ही अच्छी जर्नी रही, हमने बेशक वो हॉर्स पे की हो, ऑन फुट की हो, बट बैटरी कार पे की हो, बट हमारी जो भी ये सारी जर्नी थी वो बहुत बहुत अच्छी रही जर्नी हमारी, और हमें दर्शन भी बहुत अच्छे हुए माता रानी की दया से। अभी हम दमेल वाली साइड पे थे, अभी हम ऑन द वे ही हैं। अभी तो हमें लगी थी भूख क्योंकि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, तो हमने लंच नहीं किया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मैगजी, यहाँ से लेते हैं हम बर्गर और दो दो बर्गर लेंगे, एक से कुछ नहीं बनता। अभी हम करते हैं अपने बर्गर को एंजॉय। फाइनली फ्रेंड्स, हम घर पहुंच चुके हैं और हमें यही उम्मीद है कि माता रानी हमें दोबारा से चिट्ठी डाले, अपने पास हमें जल्दी से जल्दी बुलाएं,
तो आई रियली होप कि आपको मेरी ये स्मॉल जर्नी पसंद आई हो, और आपको पता ही क्या करना होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय।